आप देख रहे HBN न्यूज चैनल। अभी अभी कोरोना वायरस को महामारी चल रही है, तब कई जगह क्वारंटाइन के लिए एडवांस तैयारी कर ली गई है। साबरकांठा जिले के विजयनगर तहसील में सारोली गांव में आज जो कोरोना के लिए एडवांस तैयारी की है, वो स्कूल का नाम है, शायद आपको कैमरे में दिखाई दे होगा, आदिवासी सेवालय सेंट मेरी स्कूल सारोली। यहाँ क्वारंटाइन के लिए एडवांस तैयारी कर चुके हैं, यहाँ आरोग्य की टीम भी मौजूद है, उसमें तैयारी करने के लिए जुड़ चुकी है। आगे हम आपको बताएंगे कितनी बेड की तैयारी है, किस तरह से तैयारी है, वो हम आगे आपको बताएंगे, रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहें। आप देख रहे हैं यहाँ जो क्वारंटाइन के लिए जो रूम तैयार किया गया है, इसमें स्प्रेड किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो कैमरे के अंदर, वो स्प्रेड किया जा रहा है पूरी तरह से स्प्रे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कैमरे के अंदर, आप देख रहे हैं कैमरे के अंदर जो तस्वीर दिखाई रही है, जो रूम क्वारंटाइन के लिए तैयार किया गया है, वहां स्प्रेड किया जा रहा है, वो आप देख रहे हैं कैमरे के अंदर। बहुत बड़ी अच्छी तरह से यहां तैयारी चल रही है। यहां जो क्वारंटाइन के लिए तैयारी चल रही है, चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ किस तरह से तैयारी चल रही है? विजयनगर तालुका ना सारोली गाम ना सेंट मेरी हाई स्कूल नी अंदर क्वारंटाइन करवा माटे अगमचेती ना भाग रूपे अहीं आश्रम शाळा छे मोटी, तेनी अंदर अहींना फाधरे अमने बे होल आपेला छे। संडास बाथरूम नी पण सगवड़ छे, रसोड़ा नी सगवड़ छे, अने थोड़ी जग्या बहु सारा प्रमाण में छे, एटले होम क्वारंटाइन करवा माटे तकलीफ पड़े एवी नथी। एटला माटे फाधरे अमने जे अहीं आश्रम शाळा आपी छे એની અંદર અત્યારે અમે દવા છંટકાવ કરીએ છીએ અને સેનેટાઇઝ કરી નાખીએ છીએ, જેના કારણે અહીંનું જે સ્થળ છે એકદમ ચોખ્ખું થઈ જાય, જંતુરહિત થઈ જાય। એટલે ભવિષ્યમાં જો આપણે અહીંયા હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવાનું થાય તો અહીંયા 50 બેડની વ્યવસ્થા કરેલી છે, અને એની સાથે જે જે કંઈ સગવડની જરૂરિયાત ઊભી થાય તે માટે પ્રાંત ઓફિસર સાહેબને અમે ગઈકાલે લેખિતમાં આપી દીધું છે, અને પ્રાંત સાહેબે પણ અમને કીધું છે કે તમારે જેટલી માગણીઓ હોય એ લેખિતમાં આપો, એટલે આપણે બધી વ્યવસ્થા પૂરી થઈ જશે। यहाँ 50 बेड की जो होम क्वारंटाइन के लिए एडवांस तैयारी चल चुकी है, वो आपको तस्वीर कैमरे में दिखी दी होगी। कैमरामैन हर्षद कुमार, विजयनगर से।